हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं पैराडाइम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडाइम इन रिसर्च के बारे में, ठीक है। और पैराडाइम की भी इम्पोर्टेंस देखेंगे हम क्या होती है। तो ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होता है इसमें। कि व्हाट इज पैराडाइम, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडाइम इन रिसर्च। ये एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडाइम, ठीक है। खाली यहाँ तक भी आ सकता है या रिसर्च के बारे में भी आ सकता है, तो हम ये भी पढ़ेंगे और सिर्फ पैराडाइम के इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। और इसमें एक है पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, ठीक है, कि पैराडाइम में कैसे शिफ्ट होता है, क्या बदलाव आते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें है पैराडाइम शिफ्ट इन नेचर ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो चलो देखते हैं क्या होता है पैराडाइम। पैराडाइम क्या है, ये हमारे अंदर जो भी आइडियाज होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं या मानक होते हैं किसी चीज को देखने के लिए, ठीक है, या आप कह सकते हो किसी चीज को देखने का नजरिया जो होता है उसे ही कहते हैं पैराडाइम। क्योंकि हमारे मन में क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज को देखने का एक पर्टिकुलर आइडियाज है, उसके प्रति हमने एक पैटर्न बना लिया है और उसके प्रति क्या है कुछ स्टैंडर्ड्स हैं किसी चीज को देखने के लिए, ठीक है। साइंस एंड फिलोसफी में पैराडाइम क्या है, पैराडाइम है एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड थॉट पैटर्न्स है, ठीक है। साइंस एंड फिलोसफी में क्या हो सकती है फिर उसमें, कि आप किसी चीज को किस नजरिए से देखोगे, उसमें हो सकते हैं थ्योरीज, उसमें थ्योरी क्या क्या है, उसमें रिसर्च कैसी हुई है उसके बेस पे आप देखोगे, उसमें पोस्टुलेट्स क्या क्या दिए गए हैं और इसमें क्या क्या मानक हैं, उसके बेस पे आपका नजरिया होगा किसी चीज को देखने का, ठीक है। और पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चेंज है जो कि आपके आइडियाज में, पैटर्न में, आपके स्टैंडर्ड में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखने का, किसी पर्टिकुलर थिंग को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है विद द टाइम, ठीक है। जैसे होता था ना, जब हम छोटे थे किसी चीज को लेके हमारा पर्सपेक्टिव हो सकता है कुछ और हो, लेकिन हम बड़े पे क्या है उसी चीज को लेके हमारा जो नजरिया है, जो पैराडाइम है वो अलग है, ठीक है। तो यही क्या है पैराडाइम शिफ्ट। और आजकल एजुकेशन में क्या हो रहा है, जो पहले से जो सेट ऑफ बिलीव्स थे एजुकेशन में, जो टेक्नोलॉजीज थी, जो मेथोडोलॉजीज थी, वो क्या हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उनके आइडियाज में, पैटर्न में, स्टैंडर्ड में बदलाव आ रहा है, इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट इज ए फंडामेंटल चेंज, ठीक है। पैराडाइम शिफ्ट क्या है, कि किसी इंडिविजुअल के व्यू में या सोसाइटी के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू में कोई चीज किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। सभी के अंदर क्या है पैराडाइम है, मतलब किसी चीज को देखने का नजरिया है और वो हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, ठीक है, इसे ही कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। आई होप क्लियर है। तो पैराडाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमारे वर्ल्ड में क्या है, पहले से ही किसी चीज को परसीव करने का, उसके प्रति जो पर्सपेक्टिव है हमारा, उसको देखने का पहले से ही हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में एक पर्टिकुलर आइडियाज हैं, पैटर्न्स हैं कि कोई इंडिविजुअल सोसाइटी उस पर्टिकुलर चीज को या सिचुएशन को किस तरह से देखती है। जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन को परसीव करने के या एजुकेशन के प्रति जो भी पर्सपेक्टिव है हमारा, वो पहले से डिसाइड है, क्योंकि उसमें पहले से ही कुछ बिलीव्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ थॉट्स हैं कि इस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें डिसाइड करता है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा। और जो ओल्ड पैराडाइम है वो नए पैराडाइम के साथ चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च। अब एजुकेशन में क्या है, नई नई रिसर्च होती रहती है, नई नई थ्योरीज आती रहती है, तो जो हमारा ऑलरेडी पर्सपेक्टिव है, जो ऑलरेडी हमारा पैराडाइम है, वो नई थ्योरीज के अकॉर्डिंग, नई रिसर्च के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पैराडाइम शिफ्ट। तो वो एजुकेशन में किस तरह होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी हम सिर्फ पैराडाइम देखते हैं। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर है बिल्कुल। पैराडाइम कुछ नहीं है, पैराडाइम बस क्या है, जो पर्टिकुलर आइडियाज है, पैटर्न्स हैं, थॉट्स हैं आपके मन में किसी पर्टिकुलर चीज को लेके या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, वो क्या है, ठीक है, यही है पैराडाइम। और इसमें हमेशा बदलाव आता ही रहता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव क्या है, चेंज होता रहता है विद टाइम, क्योंकि नई नई थ्योरी आएंगी, नई नई रिसर्च आएंगी, और जो आपका पर्सपेक्टिव है किसी चीज को देखने का वो हमेशा चेंज होता रहेगा, ओके। और एजुकेटर्स को क्या करना है, इसी के बारे में देखना है, सीखना है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि स्टूडेंट को क्या मदद मिलती है, उसको अपने बिलीव्स को, पैटर्न्स को, आइडियाज को सीखने में मदद मिलती है। जब वो पढ़ने जाता है कोई बच्चा, तो बच्चा किस बेस पे पढ़ता है, क्योंकि सभी चीजों के लिए क्या है ऑलरेडी पहले से बिलीव्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ आइडियाज हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपनी नॉलेज हमेशा एक्सटेंड करता रहता है। जो भी उसके पास पुरानी नॉलेज है उसमें हमेशा एड ऑन करता रहेगा नई इंफॉर्मेशन को, तो या यूं कह लो कि नई बिलीव्स आ जाएंगे उसके मन में, नई पैटर्न्स आ जाएंगे और वो पुराने पैटर्न्स में एड ऑन करता जाएगा। तो टीचर का इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर को हमेशा ऐसी सिचुएशंस प्रोवाइड करनी होगी ताकि जो बच्चा है, जो उसके मन में ऑलरेडी जो पैराडाइम्स है उसमें वो नया मटेरियल एड करता रहे, उन्हें प्रोसेस करता रहे और ओल्ड मेमोरीज के साथ उसे लिंक अप करता रहे,
ओके टीचर का एम होना चाहिए कि स्टूडेंट में जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं, क्षमताएं हैं, जो भी इसमें टैलेंट है उसे बढ़ावा दे। नई इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड ऑन होंगी, नई इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होंगी कैसे, सेलेक्ट एंड वीट आउट फिलॉसफी पे। जैसे खेतों में होता है ना, जो अच्छी फसल होती है हमें वो चाहिए, और जो बेकार फसल होती है मतलब खर पतवार होती है जिसे कहते हैं वीड्स, उन्हें बाहर निकाल दो। तो आप हमेशा अच्छी चीजों को अपने माइंड में रखो और जो बुरी चीजें हैं उन्हें डिलीट करते रहो अपने माइंड से। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पहले से जो पैराडाइम है उसमें बस जो सही चीजें हैं उस को लेके वो ऐड करते रहो, जो गलत चीजें हैं उसको अपने माइंड से धीरे धीरे हटाते रहो। होता है ना कि किसी इंडिविजुअल के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति कईयों का क्या है पर्सपेक्टिव अलग होता है या गलत होती है धारणा उसके प्रति। अब उसके प्रति कोई नई धारणा आ गई तो आप सही वाली रख लो, पुरानी वाली जो आपके पास मन में ऑलरेडी थी उस धारणा को आप हटा दो अपने माइंड से। इसी को कहते हैं सेलेक्ट एंड रीड आउट फिलॉसफी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक सोशल इंटरेक्टिव प्रोसेस है, और जितना ज्यादा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्ट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतनी ही अच्छी होगी और नए कॉन्सेप्ट को सीखने मदद मिलेगी। टीचर्स आर एबल टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है कि अगर बच्चा नहीं सीखना चाहता है नई चीजें तो टीचर्स कितना भी हार्डवर्क कर ले बच्चा नहीं सीख पाएगा, या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि बच्चा सीखना चाहता है टीचर बिल्कुल उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इस फील्ड में भी क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, जो लर्निंग है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडाइम हेल्प करता है या एनकरेज करता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में, मतलब जो होलिस्टिक अप्रोच है उसमें हेल्प करता है ताकि जो फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल चेंज है बच्चे में हो सके और वो नई चीजें नई नॉलेज को अपनी लाइफ में अपना सके और उसके एकेडमिक जीवन में और ओवरऑल उस लाइफ में एक बदलाव आ सके। ठीक है, और वो बदलाव किसलिए होगा, एक अच्छे के लिए होगा। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। अगर नहीं हुए तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ये कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। रिसर्च पैराडाइम क्या है, ये कुछ कॉमन बिलीव्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं साइंटिस्ट के बीच में या ऐसी कम्युनिटी के बीच में कि हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड, कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और कैसे उनका निवारण कर सकते हैं या कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्योंकि रिसर्च में क्या होता है कुछ प्रॉपर मेथोडोलॉजी पे काम होता है, पहले क्वेश्चंस को पहचाना जाता है देन उस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हें सॉल्व किया जाता है। पैराडाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, पैराडाइम क्या प्रोवाइड करते हैं, आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, बिलीव्स प्रोवाइड करते हैं किसी चीज को लेके, और ये क्या करते हैं किसी स्कॉलर को रिसर्चर को किसी एक्सपर्ट्स को उनके पर्टिकुलर फील्ड में इन्फ्लुएंस करते हैं काम करने के लिए। ठीक है, जो भी वो पढ़ रहे हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो काम किस तरह से होगा, कैसे होगा, किस तरह से वो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अकॉर्डिंग टू लिंकन एंड ग्यूबा साइंटिस्ट थे, इन्होंने पैराडाइम पे बहुत काम किया था रिसर्च मेथोडोलॉजी पे 1985 में। इन्होंने क्या कहा, पैराडाइम फोर एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ठीक है, ऑन्टोलॉजी क्या है, ये मेटाफिजिक्स का पार्ट है, तो ये मेटाफिजिक्स में आता है कि रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, बिलीव्स क्या है। रिसर्च में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज रियलिटी, एग्जिस्टेंस, बिलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सत्य है या नहीं है। और साइंस में या रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च करी ही क्यों जाती है, क्वेश्चनिंग पे करी जाती है। ठीक है, कोई प्रोसेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो ये लिंकन एंड ग्यूबा थे, इन्होंने रिसर्च पैराडाइम में फोर एलिमेंट्स के बारे में बताया। पहला हो गया ऑन्टोलॉजी, सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेम का मतलब है नॉलेज। तो नॉलेज क्या है कि हाउ डू यू नो समथिंग, कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वो किस तरह से आया और हम इस ज्ञान को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, मेथोडोलॉजी में क्या है, इसमें प्रॉपर हाइपोथेसिस बनाई जाएगी, डिजाइन बनाई जाएगी कि किस तरह से रिसर्च को आगे कंटिन्यू रखना है, किस तरह से रिसर्च को करना है। ठीक है, मतलब एक प्लानिंग होगी इसमें। एक्सियोलॉजी में क्या है, एक्सियोलॉजी में आती है एथिक्स, मतलब कोई रिसर्च अगर कर रहे हैं हम वो एथिकल है या नहीं है, मतलब वो इंसान के काम आएगी या नहीं आएगी। ठीक, तो रिसर्च में यही सब होता है। चलो पढ़ते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज। तो रिसर्च में क्या है, रिसर्च पैराडाइम में क्या है, इन सभी चार एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें क्या है कुछ अजम्पशंस होते हैं, बिलीफ्स या थ्योरीज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, मतलब वैल्यूज वाला पार्ट आता है एक्सियोलॉजी में। ठीक है, दैट ईच पैराडाइम होल्ड्स। तो सभी पैराडाइम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, पहला पढ़ लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में क्या है, एपिस्टीम का मतलब है नॉलेज और ये ग्रीक वर्ड से बना है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ वी कम टू नो समथिंग एंड इट इज कंसर्न्ड विद नॉलेज एंड इट्स नेचर फॉर्म्स एंड हाउ इट कैन बी एक्वायर्ड एंड हाउ इट कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ये नॉलेज से रिलेटेड है, कि हमारे पास जो नॉलेज है वो किस तरह से आई है, इसका नेचर क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, इस नॉलेज को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और किस तरह से हम इस नॉलेज को
कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च करने के बाद हमें रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना होता है। उसमें क्या होता है, एक्चुअली आपने जो भी काम किया है उसे बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ ए पैराडाइम में ये सभी चीज आती है कि ज्ञान कैसे आया, ज्ञान का नेचर क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं और उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, और एनहेंस करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसे कम्युनिकेट कैसे करना है। ऑन्टोलॉजी और पैराडाइम, ऑन्टोलॉजी क्या है, इट इज अ फिलोसफिक, ऑन्टोलॉजी क्या है, ये फिलोसफिकल स्टडी है नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस के बारे में कि कोई चीज एग्जिस्ट कैसे करती है, उसकी रियलिटी क्या है। तो ऑन्टोलॉजी क्या है, जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं और वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं उस पे क्वेश्चनिंग करती है। ओके, मेथोडोलॉजी और पैराडाइम, तो मेथोडोलॉजी में क्या है, प्लानिंग कह सकते हो आप इसे, कि आप अपनी रिसर्च को कैसे डिजाइन करोगे, उसमें मेथड्स क्या होंगे, आप उसमें क्या क्या अप्रोच लगाओगे, कैसे आप अपनी गोल तक एम तक पहुंचोगे और उसमें क्या प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, आप कौन से प्रोसीजर्स यूज करोगे अपनी रिसर्च में। तो नॉर्मली क्या है, मेथोडोलॉजी और पैराडाइम क्या है, प्लानिंग है एक तरह से, कि आप अपनी रिसर्च को कैसे प्लान करते हो। फोर्थ एलिमेंट क्या है, एक्सियोलॉजी और पैराडाइम। एक्सियोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी जैसे मैंने बताया एथिकल इश्यूज से रिलेटेड है, जो भी मॉरल पॉइंट्स हैं आपकी रिसर्च में। आपकी रिसर्च में ये नहीं होना चाहिए कि आप मजे के लिए एनिमल सैक्रीफाइस कर रहे हो। एनिमल सैक्रीफाइस करने का एक प्रॉपर पर्पस होना चाहिए कि आपने कोई ट्रक बनाया है और आप उस ट्रक को एनिमल पे टेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल एथिकल है तभी जो एथिकल कमेटी है वो उसे पास करेगी। ठीक है, तो जो भी रिसर्च है वो एथिकल्स होनी चाहिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और नेचर के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अनएथिकल चीज कर लो। तो ये थी रिसर्च पैराडाइम और इसके फोर एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पैराडाइम शिफ्ट क्या होती है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन एंड डिसिप्लिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।